तो अगर अभी श्रीराम फाइनेंस के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको श्रीराम फाइनेंस के अंदर लोन अप्लाई करने से लेकर लोन अप्रूवल तक का और साथ ही साथ जो भी पैसा अप्रूवल का मिलता है उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाया हूं। देखो, हो सकता है कि आज के भी पहले आपने श्रीराम फाइनेंस के अंदर अपना लोन एप्लीकेशन अप्लाई करा हो और आपको कुछ ऐसे मिस्टेक के कारण आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका हो, उससे बचने के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो तीन ऐसा तगड़ा ट्रिक बताने वाला हूं जिसको कि आप जैसे अप्लाई करोगे वैसे आपके इंस्टेंट लोन का अप्रूवल मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको इस एप्लीकेशन के अंदर ये मिल जाती है कि यहाँ पे आपको केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आपका लोन का अप्रूवल मिल जाता है, और जैसे ही अप्रूवल मिलता है उस पैसे को आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आप इस श्रीराम फाइनेंस से लोन लेना चाहते हो तो केवल 5 से 10 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को पूरा वॉच कर लो, यहाँ पे आपको लोन अप्लाई करने से लेकर अप्रूवल तक का पूरा प्रोसेस बताया हूं। तो फिर शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। श्रीराम फाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लोन अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे वैसे आप यहाँ पे लोन अप्लाई वाले पेज पे पहुंच जाते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले आपसे कुछ डिटेल मांगी जाती है, लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि अगर हम यहाँ पे पर्सनल लोन के फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें, बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के ऊपर आपको यहाँ पे 10 लाख तक का लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये जो लोन है आपको यहाँ पे क्विक डिस्बर्सल मिल जाता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 72 घंटा और कम से कम 5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। यहीं पे आपको फ्लेक्सिबल रिपेमेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आपको लोन को चुकाने के लिए 12 महीने से लेकर 60 महीने का समय मिल जाता है, मतलब कि आपको टोटल 5 साल का समय मिल जाता है। 5 साल के अंदर आप अपने लोन को बहुत ही आसानी से चुका सकते हो। वहीं मैं आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर आप यहां पे देखो तो केवल 11% के इंटरेस्ट रेट पे आपको यहां पे लोन मिल जाता है। वहीं अगर आप दूसरे लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते हो तो आपको यहां पे 30% से लेकर 60% तक का इंटरेस्ट रेट भी पेमेंट करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात, आपके यहां पे फुली डिजिटल डॉक्यूमेंट मिल जाता है, मतलब जितनी प्रोसेस मिल जाती है सारे डिजिटल ऑनलाइन प्रोसेस मिल जाती है। आप ऑनलाइन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नीचे में आपको यहाँ पे रेगुलर रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि जब भी आपकी ईएमआई का डेट आता है उसे एक दिन पहले आपके मोबाइल नंबर पे और आपके एप्लीकेशन के अंदर मैसेज मिल जाते हैं कि आपको कल अपना ईएमआई पेमेंट करना है, जिससे कि आप अपना ईएमआई भूलोगे भी नहीं और आसानी से पेमेंट भी कर सकते हो। यहीं पे नीचे में आपको पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि अगर आप देखो तो 50,000 के लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 11% के इंटरेस्ट रेट पे 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए। यहीं पे नीचे में आपको समरी मिल जाता है, लोन अमाउंट आपका 50,000, टोटल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 1 साल के अंदर 3,029 रुपए पेमेंट करना होता है और आपकी मंथली जो ईएमआई हो जाती है 4,419 रुपए हो जाती है, जिसे कि आप कैलकुलेट करके आप अपने यहाँ पे सारी कुछ डिटेल भी निकाल सकते हो। वही नीचे में आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि टोटल 3 स्टेप मिल जाते हैं। पहले में अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है, सेकेंड में आपको अपना लोन अमाउंट चूज करना है और अपना बैंक डिटेल कंफर्म करना है, थर्ड में आपका जो भी पैसा होता है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। तो चलिए अब हम लोन अप्लाई के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। उसके लिए फिर से आपको ऊपर आना होगा, सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर मांगी जाएगी। यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, आपके यहाँ पे ध्यान रखना है जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होता है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करना है। फिर आपकी पिन कोड मांगी जाएगी, जो आपके आधार कार्ड पे पिन कोड होता है वही पिन कोड आपके यहाँ पे फिल करना है। नीचे में आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछी जाती है, फिर आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप का ऑप्शन मिलता है, 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले होता है सैलरीड का, सैलरीड हो गए तो सैलरीड सेलेक्ट कर लेना, अगर आपका खुद का बिजनेस होगा तो बिजनेस सेलेक्ट करना, अगर आपका खुद का कोई प्रोफेशनल काम होगा ऑफिस वगैरह तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे काम करते होगे आप अपना बिजनेस डिटेल में उसको सेलेक्ट करना, और नीचे में अप्लाई नाउ का बटन मिलता है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो आप जैसे ही नेक्स्ट करते हो आपका जो भी नंबर होता है उस पर एक ओटीपी सेंड करा जाता है 6 अंक का, सिंपली आप उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करना। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड का बटन मिलता है, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर देना। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप नेक्स्ट वाले पेज पे पहुंच जाते हो, जिसमें कि आपकी यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, जिसमें कि सबसे पहले आपके यहाँ पे कंपनी का नेम पूछा जाएगा, जो भी आपका कंपनी का नाम होगा उसको फिल करना। फिर आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस करंट कंपनी का पूछा जाएगा, मतलब कि कितने साल से आप अपने कंपनी को चला रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। आपके यहाँ पे टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, मतलब कि कितने साल से आप इस काम को कर रहे हो वो पूछा जाएगा। अगर आपके पास वर्क ईमेल आईडी होगा तो उसको मांगा जाएगा, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास होगा तभी भरना वरना आप छोड़ देना इसको। फिर आपके यहाँ पे सैलरी डिटेल पूछी जाती है, इनकम डिटेल पूछी जाती है, आप यहाँ पे मंथली कितनी कमा लेते हो आप उसको फिल करना। मोड ऑफ सैलरी का ऑप्शन मिलता है, आपका जो भी पैसा मिलता है चेक के द्वारा मिलता है या फिर बैंक अकाउंट में आता है या कैश आता है, जो भी मोड होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है करंट ईएमआई यू पे इन, मतलब कि अभी के समय में आप कितने ईएमआई पेमेंट कर रहे हो, कि मतलब कहीं से लोन लिए हो तो उसका कितना ईएमआई अभी भरते हो, जो भी होगा आप उसको फिल करना। और सारी डिटेल फिल करने के बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट में आपके सामने केवाईसी डिटेल ऑफ
अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपकी रेसिडेंट डिटेल पूछी जाती है, मतलब कि आपका जो भी एड्रेस होगा उसका फिल करोगे, वार्ड नंबर, हाउस नंबर, आपको यहाँ पे जितने भी एड्रेस मिल जाती है सारे एड्रेस फिल करना, एड्रेस सेलेक्ट करोगे। आपकी यहाँ पे पूछी जाती है कि जो आपने अभी एड्रेस डाला है परमानेंट है, करेंट और परमानेंट दोनों होगा तो इस पे टिक करोगे, केवल परमानेंट होगा तो इस पे टिक करोगे, करेंट होगा तो इस पे टिक करोगे। रेसिडेंटियल टाइप का ऑप्शन मिलता है, जो भी आपका रेसिडेंट होगा उसको सेलेक्ट करोगे। आप कितने वर्ष अपने रेसिडेंट पे रहते होगे आप उसको सेलेक्ट करोगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप का फिर से ऑप्शन मिलता है, आप फिर से इसको सेलेक्ट करोगे और कंटिन्यू वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फाइनली आप देख सकते हो कि आपके सामने कांग्रेचुलेशन का मैसेज खुल के मिल चुका है। यहाँ पे आपका जो भी लिमिट होता है आपके सामने मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे केस में 72,000 का लिमिट यहाँ पे मिला हुआ है। टर्म एंड कंडीशन मिलता है जिसको कि एक्सेप्ट करके सिंपली आपको यहाँ पे गेट योर लोन नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जो भी आपका लोन का अमाउंट होता है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक बार ये सब सारे डिटेल चेक करोगे फिर आपको यहाँ पे गेट योर लोन नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो कि आपका लोन अमाउंट यहाँ पे 72,000 खुल के मिल चुका है। आप यहाँ पे 5,000 से लेके 72,000 के बीच में जितने भी लोन अमाउंट की आवश्यकता होती है आप उसको यहाँ पे ले सकते हैं। आपके यहाँ पे टेनर का ऑप्शन मिल जाता है, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना, जो भी आपको टेनर सेलेक्ट करना होगा उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपके यहाँ पे ईएमआई मिल जाती है, मतलब कि हम यहाँ पे 72,000 का लोन 24 महीना के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे 4,203 रुपया टोटल हमारा ईएमआई बन जाता है। विथ आपके यहाँ पे सबसे बड़ी बात 0% फी आपसे लिया जाता है, मतलब कि आपसे यहाँ पे 1 रुपया भी प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जा रहा है। तो इस पैसे को बैंक अकाउंट मंगाने के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा और आपके यहाँ पे एक्सेप्ट नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक नया पेज खुल के मिल जाता है जिसमें कि सबसे पहले आपको फोन नंबर पे एक ओटीपी सेंड करा जाता है। उस ओटीपी को जैसे आप इस बॉक्स में फिल करके यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करते हो वैसे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस के अंदर लोन के लिए अप्लाई करके आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।